हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज अंकसन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार की आ चुकी इस जबरदस्त शानदार बेहतरीन फिल्म के तीसरे दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को रखूं, कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस साल बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन एडवांस बुकिंग पाने वाली फिल्मों की लिस्ट में यानी कि हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन एडवांस बुकिंग पाने वाली फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म को कितना नंबर मिला है मेरे भाई, यानी कि टॉप 10 के पोजीशन में ये फिल्म कितने पोजीशन पर है। इस जानकारी को सुनने के बाद आप ये बात समझ जाओगे कि भैया दृश्यम के पार्ट 2 का जलवा इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कितने जोरों शोरों से चल रहा है। तो दोस्तों, इस साल बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन एडवांस बुकिंग पाने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जो पहला नाम है वो नाम है हमारे रॉकी भाई यानी कि यश की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि केजीएफ के चैप्टर 2 का, जिसके भैया एडवांस बुकिंग के माध्यम से 5,15,000 टिकट बिके थे और भैया इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 43,50,00,000 रुपए का कमाई केवल एडवांस बुकिंग के माध्यम से हुआ था मेरे भाई। उसके बाद इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो नाम है ब्रह्मास्त्र का। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के भी एडवांस बुकिंग के माध्यम से 3,02,000 टिकट बिके थे और इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 24,70,00,000 रुपीस का बिजनेस मिला था एडवांस बुकिंग की मदद से। उसके बाद इस लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो नाम है भूल भुलैया के पार्ट 2 का, जिसके एडवांस बुकिंग के माध्यम से 1,04,000 टिकट बिके थे पहले दिन के लिए और इस फिल्म को भैया इतने टिकटों को बेचने के बाद 6,90,00,000 रुपीज़ का बिजनेस केवल एडवांस बुकिंग के माध्यम से मिला था। उसके बाद इस लिस्ट में जो चौथा नाम है वो नाम है दृश्यम के पार्ट 2 का, जिसके भैया पहले दिन के लिए 1,01,000 टिकट बिक चुके थे और इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को पहले दिन ही 5,75,00,000 रुपीज़ का एडवांस बुकिंग मिल चुका था। उसके बाद इस लिस्ट में जो पांचवा नाम है वो नाम है लाल सिंह चड्ढा का, जिसके एडवांस बुकिंग के माध्यम से 64,000 टिकट बिके थे और भैया इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 4,00,00,000 का बिजनेस एडवांस बुकिंग के माध्यम से पहले दिन के लिए मिला था। उसके बाद इस लिस्ट में जो छठा नाम है वो नाम है विक्रम वेदा का, जिसके एडवांस बुकिंग के माध्यम से 60,000 टिकट बिके थे और इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 3,80,00,000 रुपीज़ का बिजनेस मिला था। उसके बाद इस लिस्ट में जो सातवा नाम है वो नाम है शमशेरा का, जिसके 46,000 टिकट बिके थे भैया पहले दिन के लिए और इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 2,70,00,000 रुपीज का बिजनेस मिला था एडवांस बुकिंग की मदद से। उसके बाद इस लिस्ट में आठवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज, जिसके 41,000 टिकट बिके थे पहले दिन के लिए और भैया इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को एडवांस बुकिंग के माध्यम से 2,00,00,000 का बिजनेस मिला था। उसके बाद इस लिस्ट में नौवें नंबर पर जो फिल्म है वो फिल्म है रक्षाबंधन, जिसके 34,000 टिकट बिके थे और इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 2,30,00,000 रुपीज का बिजनेस मिला था एडवांस बुकिंग की मदद से। उसके बाद भी इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो नाम है राम सिद्धु का, जिसके एडवांस बुकिंग के माध्यम से पहले दिन के लिए 20,000 टिकट बिके थे और भाई इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को 2,00,00,000 का बिजनेस एडवांस बुकिंग के मदद से मिला था। यानी कि भैया इस साल बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन एडवांस बुकिंग पाने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में दृश्यम के पार्ट 2 का जो नंबर है ना भैया, वो नंबर है चौथा। इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस कितनी ललायत है और भाई आज इस फिल्म को जिस तरह का एडवांस बुकिंग मिला है पूरे इंडिया से उसको देखने के बाद, भैया इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया ये फिल्म आज आराम से 30,00,00,000 का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर पार करने वाली है। यानी भैया आज के लिए इस फिल्म के 5,01,467 टिकट बिक चुके हैं और भैया इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को आज केवल एडवांस बुकिंग की ही मदद से 11,82,00,000 रुपीस का बिजनेस पूरे इंडिया से मिल रहा है मेरे भाई। यानी कि आंकड़ों में बात करें, फिल्म को आज 11,82,23,980 का कलेक्शन केवल एडवांस बुकिंग के ही मदद से मिल चुका है। तो भाई जिस फिल्म को आज इतना ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिला है, तो आप इस बात को इमेजिन कर सकते हो कि ये फिल्म आज कितनी आसानी से भैया 25,00,00,000 से ज़्यादा का बिजनेस करेगी या फिर कहें भैया 30,00,00,000 के आसपास का बिजनेस ये फिल्म आज बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही आसानी से करने वाली है। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया इन दिनों जिस तरह का प्यार अजय देवगन की इस फिल्म यानी कि दृश्यम के पार्ट 2 को मिल रहा है, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है ये फिल्म कितनी जल्दी अपना बजट निकालते हुए भैया हिट की श्रेणी में आ जाएगी इसी हफ्ते में ना।
अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।